ਓਮ ਤ੍ਰੀਮ ਤ੍ਰੂਮ ਚਮ ਚਮੁੰਡਾਏ ਵਿਛੇ ਨਮਾ ਓਮ ਤ੍ਰਾਮ ਤ੍ਰੀਮ ਤ੍ਰੂਮ 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 ਚਮੁੰਡਾਏ ਵਿਛੇ ਨਮਾ ओम त्रम त्रीम त्रूम चमुंडाय विच्छई नमः ओम त्रम त्रीम त्रूम चमुंडाय विच्छई नमः ओम त्रम त्रीम त्रूम चमुंडाय विच्छई नमः। तुम लोग मेरे पास आए हो, अब तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें सब संकटों से निकाल दूंगा। ये आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम्हारा सब अच्छा होगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं बस जैसा कहता हूँ तुम लोग वैसा करते जाओ, तुम्हें जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। कोई आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कोई भूत पिशाच कुछ नहीं कर पाएगा, बस मेरी बात को ध्यान रखना। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो, आगे से हम तीनों इस गांव में कभी भी नजर नहीं आने चाहिए। हाँ दोस्त, लेकिन अगर पुलिस केस हुआ तो क्या करेंगे? क्या करेंगे, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है पुलिस केस करने के लिए। फिर भी हमें चौकन्ना रहना जरूरी है। क्या बोलता है दोस्त? ओए परियां तो देख। हाँ? हाँ? अबे ये तो वही लड़की है, जागे। नहीं दोस्त, मुझे डर लग रहा है। अरे जा ना, जा। यार चलना वापस चलते हैं। अरे पागल है क्या, डरता क्यों है? चल जा, बोलना जल्दी। हे और कितने दिन तक मेरा पीछा करता रहेगा? बोल दे जो बोलना है। कितने दिनों तक दिल में छुपा कर रखेगा? 3 लफ्ज बोलने के लिए तुम्हें 3 साल चाहिए क्या? ए, और कुछ सुनना है क्या? जो बोलना है बोल दो, इंतजार किस बात का? बोल दे जल्दी, बोल देना जल्दी। वो
क्या शर्मा रहे हो, बोल भी दो। I love you। आखिर में बोल ही दिया। बोल दिया, खुश हो गए? शादी कब करोगे? हनीमून के लिए कहाँ लेके जाओगे? अरे बाप रे, ये लड़की तो बहुत फास्ट है। हनीमून? वो मेरे पास कोई काम नहीं है ना। क्या काम नहीं करते हो? और निकले हो प्यार करने, पहले जाकर काम ढूंढो। जाओ जाओ, पहले जाकर काम ढूंढो, उसके बाद शादी कर लेंगे। जाओ जाओ। ए, क्या यही सुनने के लिए आए थे यहाँ पर? अबे क्या जरूरत थी ये सब बोलने की? चल भी यहाँ से, पागल कहीं जाओ का। जाओ, चल अभी यहाँ से, नेक्स्ट टाइम। अभी तक नहीं उठे, टाइम ऑलरेडी हो चुका है। ए शिवा, उठो। ए उठना, ए चल जल्दी कर। अरे टाइम हो गया, लेट हो रहे हैं। ए चेतन, अरे लेट हो जाएंगे, अरे जल्दी उठो ना। ए क्या कर रहा है, इतना जल्दी क्यों उठा है यार? देख रहा है कितना टाइम हुआ है। अच्छा ठीक है, तू इतनी जल्दी रेडी हो गया क्या? दिख नहीं रहा, अंधा हो गया क्या? मैं 8 बजे उठ के नहा लिया था। अच्छा कितने बजे इंटरव्यू? 9:30 बजे। ऑलरेडी 9 बज चुके हैं। हम लोग अगर टाइम पर इंटरव्यू पे नहीं गए तो हमें काम नहीं मिलेगा यार। ऑलरेडी 3 महीने हो गए किराया दिए। अगर इस महीने किराया नहीं देंगे तो लात मार के निकाल देगा ओनर। अरे 9 बज चुके हैं यार। छी, इतनी जल्दी सुबह क्यों होती है यार? क्या? इसलिए सुबह होती है कि तुम जैसे निकम्मे काम पर जा सके। चल जल्दी कर, जल्दी कर, चल चल जल्दी चल। अरे ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। सच में? चल भाई चल। चल आजा, धीरे धीरे। अबे जल्दी कर, लेट हो रहा है। जल्दी बंद कर, जल्दी बंद कर, बंद कर, बंद कर, जल्दी से आजा। भगवान, अगर आज काम नहीं मिला तो आइंदा मैं कभी आपकी पूजा नहीं करूंगा। हे भगवान, पता है ना कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, कोई भी नौकरी नहीं है मेरे पास। लेकिन मेरे बाजू में ये जो दोनों दोस्त खड़े हैं ना, इनको भी काम नहीं मिलना चाहिए भगवान। अगर ऐसा हो गया तो मैं अपने बाल आपको दान कर दूंगा भगवान। भगवान बस ऐसा कुछ कीजिए कि शोभा मेरी हो जाए। शोभा मेरी हो जाएगी ना तो मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। मेरी मन्नत पूरी कीजिए भगवान, प्लीज। भगवान प्लीज मेरी मन्नत पूरी कीजिए। अगर आपने ऐसा किया ना तो शिव को यहाँ लेकर आऊंगा और आपको साष्टांग नमस्कार करवाऊंगा। मेरी सुन लीजिए, फिर से आपको एप्लीकेशन दे रहा हूँ। इन दोनों को काम नहीं मिले, ऐसा कोई चमत्कार कर देना भगवान। हाँ हे, पहले मैं नहीं चाहूंगा, तू जा जा जा, तू जाना जा तू पहले। हाँ ठीक है ठीक है। अरे मुझे मत भेज, तू जा मरवा ले जा। मैं कम इन मैडम? यस कम इन। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शिव कुमार है। या मेरे लिए कोई काम है क्या मैडम? जॉब चाहिए। ड्रेसिंग सेंस है नहीं और जॉब मांगने के लिए आ गए। तुम्हारे जैसे को जॉब नहीं मिलेगी, जाओ। थैंक यू मैडम। कपड़े पहनने की तमीज नहीं है और जॉब मांगने आ गए। ये ए मिल गया। कांग्रेट्स यार, डन। क्या बात है भाई, कमाल हो गया, कमाल। थैंक यू यार। नहीं पहले तू जा 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 जा, तेरी बारी। अरे नहीं तू जा 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 जा। ठीक है ठीक है, जाता हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे बधाई दो। ओके ना, काम मिल गया मुझे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, जॉब गारंटेड है ना मैम? व्हाट टाइम यू हैव कम? 11:30 बज गए हैं, तुम्हें टाइम का अंदाजा नहीं है? ऐसे लोगों के लिए जॉब नहीं है, नो जॉब। यस थैंक यू मैम। ए लगता है इसको भी मिल गया। हाँ जैसे बाल रखे हैं और जॉब। यस जॉब भी मिल गया। बधाई हो, मिल गया ना, मुबारक हो। अब तू जा, ऑल द बेस्ट। जा जा तू जा, चल चल। क्यों मिल गया ना काम तुझे भी? है ओके यार। नमस्ते मैडम, सुना है उनका जॉब कंफर्म हो गया है। मेरा भी कंफर्म है ना। तुमसे किसने कहा कि उनको जॉब मिल गया है? किसी को जॉब नहीं मिला है।
इसका मतलब उन्हें भी नहीं मिला। गेट आउट। पता नहीं कहां से चले आते हैं, शर्म भी नहीं आती। छी। यस 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 सक्सेस। तू शर्म नहीं आती? दोस्त से झूठ बोलते हो? ये तीनों को काम मिल गया। यस चलो। वो देख वो आ रही है। ए, क्या सोच रहा है तू? मुझे डर लग रहा है, तू ही बोल दे। ए मनोज, वो दिखा रही है, बोल दे। सुबह से लेकर शाम तक मुझे फॉलो करते हो, आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? क्यों फॉलो करते हो मुझे? अरे सबको नहीं, सिर्फ आपको। हाँ देखिए, आप गलत मत समझिए, हमारा ये दोस्त सिंसियरली आपसे प्यार करता है, बस बोलने में थोड़ा सा डर रहा है, इसलिए हम लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। सॉरी, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे बारे में सोचकर टाइम वेस्ट मत करो, किसी और को ढूंढो। भाई दिल पे मत लेना यार, इसने जो डायलॉग बोले हैं ना, वो किसी पुरानी फिल्म के डायलॉग लग रहे हैं। हिम्मत मत हार, फिर से कोशिश कर, कोशिश करते रहे, कामयाबी जरूर मिलेगी। आज उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। यार समझना बात को, ये दे दे मुझे यार। अरे छोड़ मुझे, तीन बार उसने मुझे सुनाया। ए, ये तू क्या करने जा रहा है बता तो मुझे, आज तक एक मक्खी नहीं मारी है तूने, और तू लड़की का मर्डर करने वाला है। सुनना बात यार, पागल हो गया, पागल पर मत कर यार। अबे समझा कर यार, हम उसके चक्कर में दिमाग खराब हो गया मेरा। इतनी सुबह सुबह कोयता लेकर कहाँ जा रहे हो? वो क्या है कि मैं क्या कर रहा है, टीचर मुझे डेली लुक देकर सता रही है, इसलिए मैं उसका मर्डर करने जा रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं इसे। ए, तुम्हारी बहन को मारने जा रहा है ये? क्या मेरी बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या डेली स्माइल दे देकर मुझे परेशान कर रही है? मेरी बहन के बारे में तुम जानते ही क्या हो, उसकी शादी हो चुकी है, उसका पति मर चुका है, उसे अपने हाल पर छोड़ दो। देखा मैंने बोला था ना, बेवजह तुम उसको मार देते यार। दोस्त पति नहीं है, उसे नई जिंदगी दे दे। सॉरी, अनजाने में गलती करने जा रहा था। ठीक है, पहले जाओ जाकर कुछ काम ढूंढो, जाओ जाओ यहाँ से। अरे इससे भी यही सुनना बाकी था बस। हे कौन हो तुम लोग? हे, ये हमारे लड़के हैं, और मैं बहुत दिन से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ समझी, और तुम मुझे बहुत पसंद हो समझी। तुम अगर हाँ करोगी तो शादी, और अगर ना करोगी तो मजा, और अगर तुम चिल्लाओगी तो एसिड डाल दूंगा मैं समझी। ए कौन हो तुम? मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा, एसिड डालने आया है? बड़ा आया, जाकर बाथरूम में डाल, मुझ पर नहीं। ए कौन है रे तू? ए तू कौन है बे? ये मेरी लवर है, आया कबाब में हड्डी बनने, जानता है क्या है, एसिड डालते ही चेहरा जल जाएगा समझा क्या? ए मैं उससे प्यार करता हूँ, तुम भी अगर सचमुच उससे प्यार करते हो तो ये एसिड आधा तुम पियो आधा मैं पीता हूँ, ले पी ले, पी ना। ए, अरे बाप रे, तुझे पता नहीं तूने किसको मारा, अब तुझे मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। ए चल फुट यहाँ से, चल निकल, नहीं तो और दूंगा। तूने मेरा प्लान चौपट किया ना, बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स ओके। एक मिनट सुनिए। मुझे पता है आप क्या बोलना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मेरी जान बचाई, ऐसे वैसे ये पुराने डायलॉग मुझे पसंद नहीं है, आपकी शादी हो चुकी है ये मुझे पता है, इसलिए मुझे जाने दीजिए। मेरी बात तो सुनिए। अब क्या है, सब कुछ खत्म तो हो गया।
अरे दोस्त, इतनी जल्दी वर्कआउट कैसे कर लिया? सुन, हाथ में किस दे दिया है, जाके बोल उसे। आज पहली बार किस दी है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? अरे कुछ नहीं होगा यार, तू ज्यादा मत सोच, जा जाके बोल दे। हे सुनिए, वो देख, आई लव यू। आई टू लव यू। दोस्त वर्कआउट हो गया। ये के अगर ये डील नहीं हुई ना, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, समझ गए? समझा के नहीं भाई, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। क्या बे, क्या हुआ, क्यों तुम लोग डर लग रहे हो? भाई एक लड़के ने मुझे बहुत मारा भाई। क्या कहा, तुमसे मारपीट की? कौन है वो? मैं कुछ नहीं जानता हूँ भाई, लेकिन आज ही उसे मारना है भाई। बस सुन, मैं एक अर्जेंट काम से स्टेशन जा रहा हूँ, उसका काम हम कल करेंगे, तू अकेला आगे आके बैठ जा। ठीक है भाई। सीनू, मदन, तुम दोनों घर चले जाओ। ए गाड़ी चला। एक मिनट उतरना जरा। ए कौन हो तुम लोग और ऐसे क्यों खड़े हो? ए तू कौन है बे? हाँ चलो इसके। शिवा ये कहाँ चला गया? मामा जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ चलो घर पे, चलो जल्दी। भाई इसने मुझे मारा था भाई। अरे कौन है ये लोग, हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं ये लोग? कौन है मैं नहीं जानता, समझ नहीं आ रहा। तुम लोग देख क्या रहे हो, मारो इन सबको, मारो मारो मारो। अबे तुम लोग कर क्या रहे हो, मारो ना इनको। ए तुम लोग खड़े हो, खड़े हो, हाथ तक नहीं खड़े हो के। ए मारते क्यों नहीं हो, देख क्या रहे हो? तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, मुझे खुद ही आना पड़ेगा। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। आजा अच्छा, आजा आजा, हम भी तुझे नहीं छोड़ेंगे। चलो भाग गया मोटा, चल चलो। अरे मेरा बैग, अरे मेरा सनग्लास, मेरा सामान, अरे ग्लास टूट जाएगा, अरे मेरा बैग, अरे मेरी चटाई। सर एक महीने का टाइम दीजिए सर, आपका पूरा बकाया चुका देंगे। सर प्लीज सर, आप मुझे अपना भाई समझ लीजिए सर, नेक्स्ट मंथ हम किसी भी हाल में पैसे दे देंगे। सर हमें परसों से काम मिला है सर, इस महीने हम पूरा काम करके अगले महीने जो कमाई आएगी ना सर, वो हम आपको पूरा दे देंगे, प्लीज। लोगों को यहाँ कौन काम देगा, रात में शराब पीते हो, सुबह होते चले जाते हो, तुम लोग का दिया हुआ एडवांस रेंट में चला गया, तुम लोग को रखकर मैंने गलती कर दिया। चलो निकलो निकलो निकलो, ये चलो जाओ, चलो निकलो यहाँ से, चलो प्लीज सर। अरे सर जैसे लोगों को मैं रखता ही नहीं हूँ, ब्रोकर के कमीशन के चक्कर में उसने तुम लोगों को यहाँ रख दिया, अगली बार मैं किसी फैमिली वाले को ही घर दूंगा। यार पूरा सामान हमारा भार फेंक दिया। सर मेरी बात मान लेते तो सर, कुछ नहीं चलो सर, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। चल भाई उठा ले चटाई वगैरह, समझ में नहीं आ रहा, आज आप तो रोड पे ही सोना पड़ेगा लगता है, अब क्या करें यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुन यार तू अपने फ्रेंड को फोन करना। हाँ यार जल्दी फोन करना, भाड़े के चक्कर में जान ले ली इसने। हेलो। हाँ बोलो यार। कहाँ है यार तू, क्या हुआ बोलो।
कुछ नहीं यार, मकान मालिक ने बाहर निकाल दिया। क्या हुआ? बैग वैग लेके हम लोग रास्ते पे खड़े हैं, तो जल्द से जल्द आ जा। क्या कहा? कुछ भी करके हमारी मदद कर यार, जल्दी आ। तुम लोग वहीं पर वेट करो, मैं वहीं पर आता हूँ। ठीक है? ठीक है, हम लोग यहीं पे वेट करते हैं, तू जल्दी आ जाना। हाँ हाँ ठीक है, आता हूँ। ए, क्या कहा? आ रहा हूँ बोल रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। इन लोगों को नमस्ते सर। थोड़ी देर के लिए कमरा चाहिए था, इसलिए मैं इन लोगों को यहाँ लाया। अच्छा अच्छा। तुम लोग स्टूडेंट हो, 50,000 रूपए एडवांस में लगेंगे, 5,000 रूपए का रेंट है। 5 तारीख की हर डेट को आपको पैसे देने होंगे। हाँ हाँ ठीक है सर। हमारी 3 बेटी है, हाँ, किसी पर भी तुम लोग नजर नहीं डालोगे। जी सर। ठीक है, थैंक यू। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। धन्यवाद सर। ठीक ठीक सर। अरे भाई, घर तो मिल गया लेकिन एडवांस कहाँ से देंगे हम लोग? दीदी, ये मेरे दोस्त हैं, ये लोग ब्याज पे पैसा उठाना चाहते हैं, इसलिए मैं इन्हें आपके पास ले आया। तुम लोग कौन हो? मैं नहीं जानती। इस लड़के को मैं जानती हूँ, इसी के भरोसे मैंने तुम लोगों को पैसे दे दिए हैं। थैंक यू। हर महीने ब्याज टाइम पे देना पड़ेगा। जी हाँ। ब्याज 10% है। टाइम पे ब्याज नहीं दिए तो ब्याज डबल हो जाएगा। अगर तुम सबने मेरे पैसे लेके भागने की कोशिश की तो मेरे आदमी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 50,000 मैडम। ठीक है, शाम को आके ले जाना, अभी तुम सब जाओ। ओके मैडम। चलता हूँ दीदी, नमस्कार। चलो दोस्त, पैसे का तो जुगाड़ हो गया। अरे भाई, उधार तो मिल गया लेकिन 10% ब्याज कैसे रेट देंगे? आ जाओ बेटा, आ जाओ। नमस्कार सर। मेरी पत्नी तुम तीनों से कुछ बात करना चाहती है, चलो इनसे बात कर लो। नमस्ते मैडम। नमस्ते। सुनो, हमारी बहुत सारी कंडीशंस हैं। घर पे लेट नाइट तो नहीं चलेगा, खास तौर पर ड्रिंक बिल्कुल मत करना, स्मोक भी मत करना, क्योंकि लड़कियां भी घर पर रहती हैं ना, इसलिए संभल के सावधानी से रहना, समझे? और एक बात तो कहना भूल गई। जी मैडम। कि घर की चाबी सिर्फ मेरे ही हाथों में देना। ठीक है मैडम। ये सब मंजूर है ना? जी मैडम। चलो नमस्कार मैडम। 9 बज रहे हैं, अभी तक सो रहे हो, तुम लोगों को काम कैसे मिलेगा? चलो पहले जल्दी से उठ के नहा लो, तुम सब काम मिल जाए इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी है। आज किराया नहीं दिया तो तुम लोगों को घर से बाहर कर देगी। अरे ठीक है यार। सुनो दोस्त, ये लोग हमें काम पर जाने तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, चलो जल्दी से तैयार हो जाते। भाई मेरा तो बदन भी बहुत यार, मेरी लवर का घर है, सोच के सो रहा था, कल से जल्दी से उठ के फ्रेश होकर तैयार होना पड़ेगा। अरे चलो चिंता मत करो, तुम लोगों के दर्शन हो गए ना, आज तो नौकरी गारंटी से मिली जाएगी। हाँ उठो उठो, चल के चाय पी लो। कितनी देर से उठा रहे हैं इन्हें, जल्दी चलो ना। तुमने अपने हाथों से बनाई है? अरे वाह, बहुत अच्छी है, कुछ नाश्ता है, मीठी भी है, मस्त है। अच्छा, बहुत अच्छी भी चाहिए, तैयार है, मुझे दो। इस तरह पार्क में मेरे साथ बैठे रहोगे तो तुम्हें नौकरी कभी नहीं मिलेगी। टाइम वेस्ट मत करो, जाओ काम ढूंढो। ओहो, क्या बात है, जब मेरी किस्मत में काम मिलना होगा तो अपने आप मिल जाएगा, तब तक मैं तुम्हें ही देखूंगा और हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा। ठीक है शिवा। मधु, हाँ वो देखो वहां पर, आज शाम को फिल्म चलोगी? बोलो। अरे हाँ, ये तो अपनी पूजा ही है, चलो मिल जाएगा ना, उसे चलकर सबक सिखाते हैं। हमने 2-3 दिन पहले वार्निंग दिया था, फिर भी वही नाटक चल रहा है। पिताजी, पूजा के साथ परसों सड़क पर मिला था, कल गाड़ी में मिला था और आज भी यहाँ बैठा हुआ है पूजा के साथ। अबे तेरी इतनी हिम्मत, दोबारा अगर इसके साथ तू दिखाई दिया ना तो ऑन द स्पॉट मार दूंगा। क्यों भाई, तुम लोगों को अच्छा समझ कर मैंने घर किराए पर दिया था, तुमने मेरे घर में ही गलत काम कर दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम लोग नहीं रह सकते, चलो निकलो निकलो। सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं सर। पिताजी सुनिए ना, सुबह से इसने कुछ नहीं खाया था इसलिए बेहोश हो गया था, मैं इसलिए इसके पास बैठ के समझा रही। चुप हो जा, मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। ए चल तू इधर, चल, बहुत हो गया तेरा नाटक, चल। ए,
ये क्या लड़कों से बातें कर रही हो तुम? हाँ चलो ऊपर आ जाओ। सुनो लड़कों, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? चलो जाओ यहाँ से, ऊपर आओ तुम लोग। ए चलो जल्दी ऊपर आओ। चल ठीक है, बाय 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 बाय। लॉक कर दिया ना? हाँ आंटी। आंटी वो तुम तो हमेशा कॉलेज के पास पड़े रहते हो, तुम हमेशा सड़क पे घूमते रहते हो, लेकिन तुम तो लड़कियों पर गंदी नजर रखते हो। देखो तुम लोग, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। तुम लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी, अब ये सब नहीं चलेगा। अभी के अभी मेरा घर खाली करो। रहने तो, इन लोगों ने गलती की है, लेकिन हमारी लड़कियों ने भी तो गलती की है। नहीं जी, हमारी लड़कियाँ, इन लोगों ने कहा है कि आगे से ध्यान रखेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अभी तो संभाल लिया है, लेकिन ये लास्ट वार्निंग है। ठीक है सर। यारो हाँ, मकान मालिक ने आज हमें डांट सही दिया। का हाँ यार, जिंदगी बोर हो गई है यार, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी तो टीचर कहानी, इसकी तो हनीमून कहानी, और मेरी अलग कहानी। ये क्या है यार, ये प्यार व्यार हमसे नहीं हो पाएगा यार। ना ना करते हुए हम लोगों ने यार प्यार कर ही लिया। तेरी लोर तुझे तंग करती है, मेरी लोर तो तुम काम देख लो, तुम काम देख लो ऐसे बोलती है। काम कहाँ मिलेगा यार, काम ढूंढने के चक्कर में चप्पल घिस गई यार मेरी। हाँ यार, कहीं भी जाओ काम नहीं मिलता है। हाँ। ये प्यार का चक्कर छोड़ना चाहिए यार। हमारी लड़कियों का बिहेवियर देखा जाए तो वो लोग गलती कर रही हैं। मेरी समझ में तो आता है कि इनकी तुरंत शादी कर देनी चाहिए। तुम्हारी क्या राय? आप जैसा चाहे वैसा करिए। क्या हम लोग मंदिर चले? हाँ हाँ ठीक है, चलते। हाय 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 स्वीटहार्ट, इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया तुमने? तुम लोग इतनी उदास क्यों लग रही हो? हमारे माँ बाप हमारी शादी के लिए लड़के ढूंढ रहे हैं, आप जल्दी ही कुछ करो। मेरे मम्मी पापा शादी की बात करने के लिए पंडित जी से मिलने गए हैं। तुम लोग टेंशन मत लो, हम कुछ ना कुछ प्लान कर लेंगे। अरे अरे, मंगलसूत्र तो मैं नहीं लाया हूँ, पहले फोन करती तो मैं ले आता ना मंगलसूत्र, पहना देता। मजाक मत करो तुम, ये बात बहुत सीरियस है। हमारे माँ बाप के बारे में आप लोग नहीं जानते। ओहो ठीक है, हम कुछ ना कुछ प्लान कर लेते हैं। अरे सुनो, तुम टेंशन मत लो, हम लोग जल्दी ही शादी करेंगे, समझी? ये क्या, ये लोग अभी तक नहीं आए? हम लोग घर से बाहर आ गए हैं और ये लोग अभी तक नहीं आए। हमारे माँ बाप को ये लोग नहीं जानते। कहाँ रह गए थे तुम सब, कब से इंतजार कर रहे हैं? कुछ नहीं, ये मालाएं लेने में देर हो गई, सब ठीक है ना? चलो चलो, देर हो रही है। पंडित जी सब तैयार है ना, जल्दी शादी करवा दीजिए। तो तुम खुश हो ना? हाँ। तो शादी हो गई, तुम खुश हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। और तुम? मैंने जिंदगी में जो कुछ भी चाहा वो सब मुझे मिला, खास तौर पे तुम मुझे मिली। तुम्हारी वजह से आज मुझे नौकरी मिली है। तुम ऐसे ही बातें सुनती रहोगी तो मैं बातें करता रहूंगा और रात गुजर जाएगी। तुम्हारी स्माइल से तो मूड ही बन गया। लीजिए, नहीं तो मैं पी लूं क्या? ए, शास्त्रों के अनुसार पहले मुझे पीना चाहिए। कोई भी पिए, लीजिए आप पीजिए। अपने माँ बाप को छोड़कर आपसे शादी कर ली, आप कभी मेरा साथ मत छोड़िएगा। नहीं छोड़ूंगा स्वीटहार्ट, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे वो बात नहीं है, तुम्हारे माँ बाप नहीं है ना, अगर इस वक्त तुम्हारे माँ बाप आ जाए तो हमारा क्या होगा? तुम इतना डरते क्यों? हम जिएंगे तो साथ जिएंगे और मरेंगे तो साथ मरेंगे। कोई अच्छा सा घर देख के रह लेंगे, और कहीं जाने की क्या जरूरत है? शादी होने के बाद भी हमें यहीं रहना पड़ेगा क्या? हमारे माँ बाप को ये बात पता चलेगी तो क्या होगा?
हाँ? मम्मी पापा आएंगे तो मंगलसूत्र छुपा देंगे। मंगलसूत्र तो तू छुपा देगी, पर जो रात को हुआ उसे कैसे छुपाएगी? Hey, yes! अब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑफिस में हमें प्रमोशन मिल चुका है। गाड़ी भी मिली है और हम लोगों को फ्लैट भी मिला है। आज के बाद हमारा टेंशन खत्म, चलो नए घर में चलते हैं, वहाँ जाके आराम से रहेंगे। क्या बात है, हमारे ऑफिस वालों ने हमें फ्लैट भी दे दिया। हाँ भाई, हम सबको अच्छी नौकरी भी तो मिली है। अभी हमें कोई टेंशन नहीं है, हम लोग खुशी से रहेंगे। बिल्कुल सही कहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, हमें इतना अच्छा घर मिला है। वाह, ये घर कितना बड़ा है। दूध उबल रहा है, जल्दी आओ। शोभा क्या हुआ तुम्हें अचानक से? तुमने मुझे क्यों पकड़ा है शोभा? क्या कर रही हो? तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? दिमाग हमारा नहीं बल्कि तुम्हारा खराब है। अरे शोभा, तुम्हें क्या हो गया था जानती हो? क्या हुआ था? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। चलो अंदर चलते हैं। हाँ, चल रहा है, चलो। क्या हो गया था? क्या हुआ शोभा, क्यों रो रही हो? बैठो, क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? सुबह से क्या हो गया था तुम्हें? बोलो ना शोभा। वो झूले पे कोई था? वहाँ तो कोई भी नहीं है। यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, मोस्टली तुम डरी हुई हो। खिड़की खुली है इसलिए झूला हिल रहा होगा। हाँ शोभा, ऐसी बात नहीं है, उस पर कोई था। हवा चाहे कितनी भी आए लेकिन ये वजनदार झूला कैसे झूलेगा? तू चुप कर यार, ऑलरेडी ये डर से कांप रही है। शोभा, ये नई जगह है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। क्या हो गया शोभा? कोई काले कपड़ों में घूम रहा था। वहाँ कोई भी नहीं है शोभा। नहीं है, देखो तो। यहाँ पे कोई भूत प्रेत नहीं है, मोस्टली तुम कंफ्यूजन में हो। ऑलरेडी 12 बज चुके हैं यार, चलो चल के सो जाते हैं। हाँ चलो 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 उठो। हाँ चलो, बैठना चलो, यहाँ पे शोभा, उठो चलो चलो ये बिना चलो हम चलें। चलो आओ, चलो तुम आराम करो। हाँ चलो चलो।
तुम सब यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? सुनो बहन, कल रात जानती हो क्या हुआ? ये शोभा कल दूध गर्म करते वक्त कुछ विचित्र हरकत कर रही थी, चिल्ला रही थी। नई नई शादी हुई है, नई जगह है, इसीलिए डर गई होगी। यहाँ से थोड़ी दूर पर गायत्री देवी का मंदिर है, वहाँ जाओ सब ठीक हो जाएगा। वहाँ पर एक स्वामी जी है, उनसे आशीर्वाद लो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बहन। ए, चेतन कहाँ गया? वो पंडित जी को लाने के लिए गया है। ठीक है, मैं फोन करता हूँ उसे। ए चेतन, आप बोल भाई, तुम कहाँ पर हो? पंडित को लाने आया हूँ यार। वो पोंगा पंडित को मत लाना, यहाँ बहन ने गायत्री मंदिर जाने के लिए कहा है, तुम जल्दी आओ यार। ठीक है, 5 मिनट में आ रहा। हाँ ठीक है, जल्दी आओ भाई। आ रहा हूँ। ओके ओके। हाँ अच्छा चेतन, शोभा जो कल रात को विचित्र हरकत कर रही थी, उससे पहले कभी ऐसी हरकत की थी क्या उसने? ऐसा कभी हुआ नहीं था यार, प्यार करते वक्त ऐसा कभी नहीं हुआ। सुहाग रात में भी सब सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, कल रात से ही ये गड़बड़ हो रही है। अरे तुम लोग ये क्या सोच रहे हो, अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। कितना अच्छा है ना? वाह, बहुत अच्छा है यार, बंगला बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, अच्छी जगह है ना? पंडित जी ने तो बहुत ही अच्छा बंगला बनाया है, चलो देखते हैं। नमस्ते। 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 गायत्री मंदिर यही है सर? जी हाँ। स्वामी जी से मिलना है। स्वामी जी अभी अभी बाहर गए हैं। सुनिए, हमारी फ्रेंड की पत्नी को प्रॉब्लम हुई है। हाँ। हम अर्जेंटली उनसे मिलना चाहते हैं। 3 दिन के बाद ही आएंगे। 3 दिन? तुम लोगों का रहने का इंतजाम यही कर देता हूँ, वो आएंगे तो उनसे बात करके फिर चले जाना। चलो चलो। थैंक्स पंडित जी। शुक्रिया पंडित जी। चलो चलो। भाई रूम पे ताला लगा करके चले गए वो लोग। हमारे मंदिर जाने से पहले ये लोग भाग गए। छे, उस दिन मुझे पक्का यकीन हो जाता कि ये लोग चोर हैं। असल में इन लोगों ने अपनी औकात बता दी। गलती मेरी है कि मैं समझ नहीं पाया। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। चलो एसीपी को फोन करो। रिंग बज रही जीजा। हेलो जी, मैं कुमार बोल रहा हूँ। क्या बात है? एक बार आप घर आ जाइए, मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। ठीक है, आ रहा हूँ। आइए सर, आइए। क्या बात है? हेलो। 3 महीने पहले 3 लड़के मेरे घर पर किराए पर रहने के लिए आए थे। मैं और मेरी पत्नी मंदिर गए, उससे पहले वो लोग चले गए। उन तीनों ने हमारी लड़कियों को किडनैप करके रख लिया है। हो गया उनका काम। फालतू में मैं चुप नहीं रह सकता। अगर उन लोगों ने गलती की है तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। सुनो, हर एक के लिए 3 लाख रुपया, 3 लड़कियां है ना, मारपीट बंद करना और कन्विंस मिला के 10 लाख रुपए लगेंगे। मैं तीनों का एनकाउंटर कर दूंगा और आपकी बेटियां आपको ला करके दे दूंगा। एडवांस देना पड़ेगा। पैसे की आप चिंता मत कीजिए, मेरी तीनों बेटियां मेरे घर पर आना चाहिए, बस। आप उन तीनों को नहीं छोड़ेंगे, उनका एनकाउंटर कीजिए या जेल भेजिए। वो तो कहे। चलो रे मधु। जी जी जा। इस एसीपी की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। जी जी जा। ये अच्छों के लिए अच्छा है और बुरों के लिए बुरा। ठीक है जीजा। तुम्हें क्या करना है तुम जानते हो ना? जी। हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जीजा। तुम उसको फॉलो करो। ठीक है जीजा। ठीक है, जाओ। ओके जीजा। हे, ये सब क्या हो रहा है यार, इतने दिन हो गए स्वामी जी अब तक नहीं आए। अरे 2 दिन तक रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अरे माँ फोन कर रही है। अरे नहीं नहीं, फोन रिसीव मत करना। नहीं नहीं, बात तो कर ले। हेलो। हाँ माँ। कहाँ हो तुम लोग? माँ हम लोगों ने शादी कर लिया, अब आप हमें भूल जाइए। ये क्या कह रही हो, चुपचाप घर वापस आ जाओ। माँ हम वापस नहीं आएंगे। तुम्हारे पिताजी ने पुलिस कंप्लेंट कर दी है। ए सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल फोन रिसीव ही नहीं करना चाहिए था। हाँ हाँ, शादी हो गई कह दिया ना, जाने दो। सुनो, हम लोग 2 दिन यहाँ रहकर स्वामी जी से मिलकर फिर यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। नमस्ते मैम साहब, आपने मुझे बुलाया था क्या? वो 3 लड़के हमारी तीनों लड़कियों को कहाँ ले गए हैं तुम्हें पता है? मैंने खुद उन्हें गायत्री देवी के मंदिर जाने के लिए कहा था। विजयपुरम में जो गायत्री देवी का मंदिर है वो? हाँ मैम साहब। ठीक है तुम जाओ, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। बोलो, अभी हमारी लड़कियों के बारे में हमें पता चला है कि वो लोग मंदिर की तरफ गई हुई हैं।
आप अभी वहाँ जाके उन तीनों लड़कों को पकड़िए और उन्हें या जेल भेजिए। बस मेरी बेटियाँ चाहिए। ठीक है। ए, गाड़ी मंदिर की तरफ ले लो। चलो खाना लेकर आते हैं। ठीक है, उन्हें सोने दो, हम टिफिन लेके आते हैं। ठीक है, चल चलते हैं। चले गए ये लोग? अरे यही कहीं होंगे। अरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तुम फोन करो ना उसे। नॉट रीचेबल है यार। अरे यार देखो वहां कुछ है। कुछ नहीं है। अरे यार ये लोग कहाँ चले गए, अभी तक नहीं आए। लो आ गए। चलो आ गए। तुम लोगों को भी भूख लगी है? बहुत भूख लगी है। बहुत भूख लगी है। लो आप लोगों ने जो बोला था सब लाए। ये लो इसमें है, खा लो। इडली डोसा वड़ा पूरी। ठीक से नींद से बैठकर आराम से खा कर आना। ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है। चलो कितना बोला तुम्हें कि घर खाली करवा दो, मेरी बात तो तुम सुनते ही नहीं। अब देखो क्या किराया दिया है। हे भगवान मैं क्या करूं? चुप बैठकर क्या सोच रहे हो तुम? फोन करो किसी को। हे भगवान कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एसीपी को सब बोल दिया है मैंने। अगर मेरी बच्चियों को कुछ हुआ तो उन नालायकों की खैर नहीं। यहाँ बैठकर बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन माँ का दर्द तुम्हें क्या समझ आएगा। अरे फोन करो फिर से, एक बार और फोन करो। अगर मेरे बच्चे घर वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, याद रखो ये बात। यार बहुत मजा आ रहा है, आज के दिन खूब एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग कितने मजे कर रहे हैं ना। मुझे ऐसा लगा कि वहां से कुछ गया। क्या? चलो उठो आ जाओ। क्या हो सकता है यार यहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आराम आराम से चलो, काफी रात भी हो चुकी है ना, बहुत डर लग रहा है। सुनो चलो जल्दी यहां से चलते हैं। क्या? क्यों भाई इतनी रात को क्या कर रहे हो यहाँ? पंडित जी आप यहाँ? क्या सर, आपने तो हमें डराई दिया। डर के मारे हमारी जान चली जाती सर। इतनी देर यहाँ मत रुको, चलो खाना खा लो। हाँ ठीक है सर। चलो चलो।
बच गए। तो डर गई थी। अब जाके जान में जान आई। नमस्कार। नमस्कार। आपके घर में मनोज चेतन शिवा रहते हैं? हाँ रहते हैं। वो घर पर हैं? अभी नहीं है, मंदिर गए हैं। कौन सा मंदिर? गायत्री मंदिर गए हैं। ठीक है। नमस्ते। इस मंदिर का इंचार्ज कौन है? मैं ही हूँ सर। ठीक है, यहाँ तीन लड़के और तीन लड़कियाँ आए थे क्या? यहाँ कोई नहीं है सर। ये कौन सा मंदिर है? शनि महात्मा मंदिर है सर। तो गायत्री मंदिर किस तरफ है? यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है सर। फिर वो तीन लड़के लड़कियाँ अगर यहाँ आए तो मुझे इन्फॉर्म कर दो। बिल्कुल सर। ए पंडित, आप कौन है सर? ये सब सवाल बाद में करना, पहले ये बताओ कि इस मंदिर में तीन लड़के और तीन लड़कियाँ? कोई नहीं आया सर। गायत्री मंदिर कितना दूर है? 120 किलोमीटर दूर है। ठीक है, हम चलते हैं। नमस्ते। चलो रे। यहाँ के कोई मंदिर में तीन लड़के लड़के आए क्या? कौन से मंदिर में सर? कोई गायत्री मंदिर है क्या? यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है। यही नजदीक है बोले। ए, चलो रे। कौन हो तुम लोग भाई, क्या गड़बड़ की है? कभी पुलिस वाले आते हैं, कभी गुंडे आते हैं, कभी लड़की का मामा आता है, सब लोग तुमको ढूंढ रहे हैं। मर्डर वर्डर करके नहीं आए ना सर? नहीं सर, प्यार करके शादी करना गलत है क्या? हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया सर। ए, मेरे ख्याल से लड़की के घर वालों ने ही कंप्लेंट की होगी। प्लीज सर, और थोड़ी देर में स्वामी जी आने वाले हैं ना, तब हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करके यहाँ से चले जाएंगे। सर हम लोग यहाँ पे बहुत तकलीफ से आए हैं सर, प्लीज दो दिन के लिए हमें किसी भी तरह से बचा लीजिए सर। गुरुजी के आते ही पूजा खत्म करके चले जाएंगे। तुम लोग बड़ी मुसीबत में फंस गए हो लगता है। आदिशक्ति माँ के भक्त आने वाले हैं, तुम लोगों की मुसीबत हल कर देंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं चलता हूँ। चलो। वहाँ कौन है? लंच तैयार है, चलो खाना खाते हैं। खाना रेडी हुआ? ऊपर जाके शोभा को भी बोल दो। ठीक है ठीक है ठीक है, वो ऊपर। हाँ, फिर सब लोग मिलके खाते हैं। शोभा, क्या हुआ यार? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? शोभा को कुछ हुआ है, देखो। शोभा, शोभा कुछ हमारा भी ख्याल करो। चेतन बाहर आ जाओ। शोभा। हाँ? क्या हुआ तुम्हें? क्या पागलपन कर रही हो ये? क्या किया मैंने? चेतन इसे बाहर लेकर आओ। चलो बाहर चलो। हाँ, उसे बाहर लाओ। चलो चलो बाहर चलो। क्या हुआ? ये क्या हो गया शोभा को, कुछ पता नहीं। ओह माय गॉड। शोभा तुम्हें थकावट हुई है, पानी पियोगी क्या? बेचारी बहुत थक गई है, पानी पीने जा रही है, पता नहीं आगे क्या होगा। Oh!
इसे क्या हो गया? ये शोभा क्या कर रही है? ये तो एकदम बकासुर के जैसे खा रही है। क्या हो गया इसे? समझ नहीं आ रहा। मुझे तो भूत प्रेत का साया लग रहा है। शोभा क्या हुआ तुम्हें? शोभा संभालो अपने आपको। शोभा क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? छोड़ो, संभालो अपने आपको। शोभा चलो चलो भाग ले, चलो। मुसीबत टल गई यार, बच गई बेचारी, नहीं तो पता नहीं क्या होता। यार वो अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गई? आने वाले हैं या नहीं? आ रहे हैं, फोन किया था, उन्होंने कहा आ रहा हूं। रंजीता, शोभा अकेली सोई हुई है, तुम उसके पास जाके बैठो। ठीक है। हाँ हाँ, ध्यान से संभल के जाना। हाँ देखो आगे। नमस्ते, नमस्ते जी। नमस्ते। ओम आदित्याय नमः। क्या समस्या है? माता जी, वो वहीं सोती रहती है और सुबह उठ जाती है और फिर गर्दन दबाने लगती है। हम लोगों को क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आता, नींद उड़ गई हमारी। बहुत डर लग रहा है, क्या करें को समझ में नहीं आता, अजीब बर्ताव करती है, अचानक से चिल्लाने लगती है, अपने बाल नोचने लगती है, मेरी गर्दन भी पकड़ ली, देखिए ना मार्क है अभी तक। इसीलिए हम लोगों ने आपको बुलाया है माता जी। इस घर में समस्या है या नहीं पता नहीं मुझे, मैं कुछ उपाय करती हूँ। अगर मैं यहाँ पूजा करूंगी तो तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं ना? नहीं माता जी, बिल्कुल नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। वो लड़की कहाँ है? बेडरूम में सो रही है। उससे सोने दो, हम अपना काम शुरू करते हैं, तुम पूजा की तैयारी करो। ओम गौराय नमः, ओम चौरेश्वराय नमः, ओम भद्रकाली नमः। हाँ? नहीं नहीं चुना नहीं, दो मंत्र और है। इस घर में समस्या है, हमें कुछ और करना होगा, दूसरी पूजा की तैयारी करो। ओम दुर्गा परमेश्वरी नमः, ओम गायत्री नमः, ओम। अरे बाप रे, आपने तो यहाँ पिशाच को बुला लिया। पता नहीं अब क्या होगा। ओम गायत्री नमः, ओम दुर्गा परमेश्वरी नमः। मुझे पता चल गया, यहाँ एक प्रेत आत्मा है, आत्मा के बारे में जानना है तो उस लड़की को यहाँ बुलाओ। रंजीता, शोभा को लेकर आओ। बैठ जाओ बेटी। ओम दुर्गा परमेश्वरी नमः, ओम चामुंडाय नमः, ओम गायत्रीये नमः, ओम दुर्गे नमः, ओम दुर्गे नमः।
नमः। ये क्या हो गया? छोड़ मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या हो रहा है? तुम्हें भगाने आई थी। मैं खुद भाग रही हूँ, छोड़। मैं चली जाऊँ यहाँ से। छोड़ दे मुझे, मत मार। मैंने कुछ नहीं किया। ये तो माता जी को मार दिया। बाप रे। अरे अरे, इसको क्या हो गया? देखो जरा। शोभा, शोभा, क्या हुआ तुम्हें? ठीक है, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं, आराम से, आराम से, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, हाँ? टेंशन मत लो। ए पूजा, कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई यार? ए पूजा, ए फोन लगा पूजा को। हाँ, दरवाजा खुला छोड़ के कहाँ चली गई? हेलो। हाँ बोलो शिवा। अरे पूजा कहाँ हो तुम? घर लॉक किए बिना ही चली गई। मुझे डर लग रहा था, जल्दबाजी में लॉक करना भूल गई। अच्छा ठीक है, लेकिन अब कहाँ पर हो तुम? शिवा तुम देर मत करो, सभी को लेके गायत्री मठ आ जाओ। ए, पूजा गायत्री मठ पर है, वो वहीं पर बुला रही हम सबको। हाँ आगे स्वामी जी। यही हैं स्वामी जी जिन्हें समस्या है। नमस्ते। काली विग्रह स्थापना करने के लिए कल का मुहूर्त शुभ है, तुम तीनों लोग वहां पर आ जाना। रास्ते में कोई बाधा आने की संभावना है, लेकिन डरने की बात नहीं। स्वामी जी एक समस्या है। समझ गया, तुम्हारी समस्या समझ गया। डरो मत, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं करूंगा। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, उस दुष्शक्ति से तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन कल तक आप लोगों को इंतजार करना होगा। अगर वो प्रेत आत्मा आएगी तो वो कुछ नहीं कर पाएगी, मैंने उसे बंधन में बांध दिया है। चलिए स्वामी जी। आज रात काकी विग्रह की जगह खोदने जा रहे हो ना तुम लोग, हमें भी ले चलो ना। स्वामी जी सिर्फ हम तीनों को आने के लिए कह रहे हैं, हम तीनों वहाँ पर जाकर आते हैं, तब तक तुम लोग यहीं पर ठहरो। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा? छोड़ ना यार, ज्यादा मत सोच। क्या हो रहा है यार, ये जिंदगी एंजॉय करने का समय है यार। हमारे पास नौकरी नहीं थी, नौकरी मिल गई। आने जाने के लिए गाड़ी नहीं थी, गाड़ी मिल गई। हाँ, हमारे पास घर नहीं था, घर भी मिल गया। अब जिंदगी में मजे से शादी करके खुशियां मनाने का टाइम आया, तो हम लोग ये भूत प्रेत और पिशाचों के चक्कर में फंस गए। ये सब इसकी वजह से हो रहा है। ओए, मैंने क्या क्या तुम लोगों का? हाँ सुनो, जो होना था सो हो गया, अब आगे क्या करना है ये सोचो, समझे? यार अब तक जो हुआ ठीक है, मुझे लगता है स्वामी जी ने जो कहा है वो करने में ही भलाई है। देवी की प्रतिष्ठा करके पूजा करने में ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। देखो सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, ठीक है ना, ये भी एक बार ट्राई कर ही लेते हैं। तुम एक काम करो, उन्हें वहीं सोने दो। हाँ ठीक है, अब हम फटाफट वहाँ जाते हैं और वो काम करके ही वापस आते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक कह रहे हो। चलो 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 चलते, ओके चलो, जल्दी चलते आते हैं। विघ्न प्रतिष्ठान करने की जगह यही है क्या? हाँ यही वो जगह है। अच्छा यही जगह है, तो खोदना। अरे जल्दी खोदना। यार मैं थक गया हूँ, अभी इधर खोदो। मैं खोदता हूँ। हाँ चलो, थोड़ा रेस्ट करता हूँ। चलो अरे जल्दी जल्दी खोदो भाई, और थोड़ा खोद, थोड़ा और गहरा खोदो, और खोद। अरे जंगल में तो डरावनी आवाजें सुनाई दे रही हैं। जल्दी जल्दी खोदो, निकलते हैं यहाँ से। स्वामी जी ने यही जगह बताई थी ना? हाँ यही है। अरे ये अमावस की रात में कहाँ फंस गए? संभाल कर खोदना। हे कौन है ये? हाँ? अरे बाप रे, वो देख वहाँ पे कोई जा रहा है। चलो चलकर देखते हैं, चलो। हाँ चल।
देखते चलो 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 जल्दी आओ। अरे बाप रे, यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे यहीं कहीं होगा। अरे बहुत डर लग रहा है भाई। अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। मुझे ये आवाज कैसी आ रही है समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या हो गया यार, कहाँ फंस गए? अरे बाप रे। सर टायर पंचर हो गया। सोच क्या रहे हो, स्टेपनी लगाओ। जी जी सर, जैक नहीं है सर। कैसा काम करते हो तुम? सॉरी सर। पगार लेनी तो याद रहती है ना, बात करता है। जाओ जाकर उसको निकालो और जाकर कहीं से पंचर बनवा कर लाओ। ठीक है सर। ए कोई गाड़ी रुकवा। अरे बाप रे, इसने मेरी गाड़ी क्यों रुकवाई? अगर जाकर मिलूंगा नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। नमस्ते, नमस्ते सर। तुम्हारे पास गाड़ी का चेक है क्या? हाँ है ना सर। अपू जल्दी चेक लेके आ। ए जाओ जाकर ले लो। साहब साहब नमस्ते साहब। ओहो क्यों भाई, तुम्हारे जीजा को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है इसलिए तुम्हें ढूंढने भेज दिया क्यों? नहीं साहब ऐसा नहीं है साहब, बस ऐसे ही आया था सर। हेलो कुमार, कंप्लेन देकर 3 दिन हो गया, अब तक नहीं ढूंढ पाए। अगर तुमसे नहीं हो पाता है तो कमिश्नर के पास जाता हूँ मैं। ए, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुमने मुझे डील दिया था ना? हाँ। खत्म करता हूँ मैं। कमिश्नर की धमकी दे रहे हो तुम मुझे? कोई गाय भैंस ढूंढ रहा हूँ क्या मैं? फिर क्या? अच्छा ठीक है, जल्दी ढूंढ लो फिर। ठीक है ठीक है। तुम लोग किस तरफ जा रहे हो? गायत्री मंदिर की तरफ जा रहे हैं सर, दीदी के बच्चों के वहाँ होने की इन्फॉर्मेशन मिली है सर। ओहो तुम भी उन लोगों को ढूंढ रहे हो क्या? आ जाओ हमें फॉलो करो। ओके सर, हो गया। ठीक है चलो। ओके ए शोभा लेकर जल्दी जरा जल्दी करो। रुको देखो चलो जल्दी चलो चलो शोभा। अरे क्या कर रही हो? संभल के लाना शोभा, संभालो शोभा, जल्दी रहो जल्दी रहो। शोभा 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 सब ठीक हो जाएगा। अरे अरे आराम से। अरे अरे क्या कर रही हो? संभल के चल रही हो शोभा। ए अरे सब लोग यहाँ पर बैठ जाओ। ओम काली, ओम शक्ति, ओम काली, ओम शक्ति, ओम काली, ओम आदि शक्ति, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम ओम स्वाहा। ओम ब्राह्म ब्रीम हट स्वाहा। ए कौन है तू? मैं गायत्री हूँ। इसके शरीर में क्यों आई? मैं इसके शरीर में क्यों आई हूँ बताओ बताओ, मैं इसके शरीर में क्यों आई हूँ? मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ, नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं इसे। गायत्री, गायत्री इसके रूप में आई है,
तीन बार ये मुझसे बच गई। अब मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। सामने तुम्हारा कोई खेल नहीं चलने वाला। इसको छोड़ के जा, जा छोड़ के। नहीं जाऊंगी मैं। बोला ना तुझको छोड़ के जा। मेरा गांव हासन जिला के चन्नाराया पट्टल। चन्नाराया पट्टन का मल्लेव हाविल। उस गांव के पास सासरपुरा। सासरपुरा में विजय नाम का एक लड़का रहता था। ऐसे मिल कर हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। हम दोनों अपने नए जीवन की शुरुआत करने वाले थे, पर मेरी ननद ही इसमें बाधा बन गई। मैंने अपने नए जीवन के लिए जितने भी सपने देखे थे, वो सपने पूरा होने से पहले ही टूट गए। हे भगवान, सुनिए सुनिए। क्या हुआ? तुम्हें अकल वकल है कि नहीं? सुबह सुबह ऐसे पड़े रहते हो। तुम्हारी लाडली बहन बच्चों को लेकर कहीं चली गई है। वो घूमने गई है या घुमाने, जरा पता लगाओगे कि नहीं? किसी के साथ रंगरलिया तो नहीं मना रही? क्या हुआ, क्या बात है? देखो कैसे पूछ रही है क्या हुआ। किसी लड़के के साथ रंगरलिया मना कर हमारे घर की इज्जत नीलाम कर रही है। उसका क्या, सब जानते हुए नाटक कर रही है। चुप बैठ तू। मैं भी एक मर्द हूँ, घर में आने दे उसे, फिर इलाज करता हूँ। तू चुप जा बैठ, मैं देख लूंगा सब। कहाँ गई थी? अब बोलती क्यों नहीं? देखो तो, कहाँ घूमने गई हुई थी? चुपचाप बता दे, नहीं तो बहुत मारूंगा। क्या हुआ भैया, मैंने क्या गलती की? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपकी बेइज्जती हो भैया। मैं देख चुकी हूँ तुम्हारे नखरे। जा अंदर जाकर काम कर। पता नहीं ये दोनों हमारी जिंदगी को नरक करने कहाँ से आ गए। हमारे घर की इज्जत को बाजार में नीलाम करने के लिए आए हैं ये लोग। अरे वाह भाई, क्या हाल है साले साहब? हाँ जीजू, लो पियो। हाँ लो पियो जीजू। क्या सेवा कर रहे हो साले साहब? पियो जीजू, मजे से पियो। मेरी भाभी का भाई रोज मेरे भैया को शराब पिलाया करता था। क्या बात है, आज बड़ी सेवा कर रहे हो। जीजू तुम्हारी बहन से मेरी शादी करा दो जीजू। दीदी को भी बताया मैंने, उन्होंने बोला कि जीजू से बात कर लो। अच्छा तो तू मेरी बहन से शादी करेगा? चल कोई बात नहीं, करा दूंगा। पीते वक्त वो मेरी शादी की बात किया करता था, भाभी को भी वो पसंद था। मेरी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। ए जी, जरा उधर सर को ना। अरे बाप रे, आज इतनी साइलेंट क्यों हो तुम? अरे थोड़ा उधर खिसक जाइए ना। क्या मुसीबत आने वाली है, भगवान ही जाने। सुनिए जी, कुछ बात पूछूं तो आप नाराज तो नहीं होंगे ना? बोलो भाग्यवान। मैं तुम्हारी बहन की शादी अपने भाई के साथ करने की सोच रही हूँ। उसकी हालत देखिए, कभी भी मर सकता है। शादी के वक्त तुम भी तो बिल्कुल ऐसे ही थे। देखो ना हमारे कितने सुंदर दो बच्चे हुए हैं। चलो आओ ना अंदर मेरे साथ। मेरी भाभी ने प्यार का नाटक करके भैया को मना लिया। भैया विजय को पसंद नहीं करते थे, उसे उल्टा सीधा बोला करते थे। ए सुन बे, बहुत चर्बी चढ़ी है क्या? मेरी बहन के साथ घूमता है, आइंदा मेरी बहन के साथ नजर आए तुम जान से मार दूंगा। भाई के नाम पे कलंक हो तुम। तुम और तुम्हारी बीवी मिलकर इतना तंग करेगी तो बिचारी क्या करेगी? वो मरने की ही सोचेगी ना। ओए वो मेरे घर की बात है, तुझे उसमें कुछ लेना देना नहीं। आगे मेरे घर के मामलों में टांग अड़ाई तो तेरी खैर नहीं। आज के बाद मेरी बहन के साथ दिखाना तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं। तुम्हारी बहन से ही प्यार करता हूँ और उसी से शादी करके दिखाऊंगा, देख लेना। जा 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 जा, तू कैसे मेरी बहन से शादी करता है देखता हूँ। बड़ा आया शादी करने वाला। गायत्री। क्या माँ, मैंने क्या गलती की? भगवान जी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं माँ? तुम्हें मैं एक नई जिंदगी दूंगा, डरो मत। मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। आज तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो करना पड़ेगा। नौबत कभी नहीं आती। मैं हूँ तुम्हारे साथ, चिंता मत करो। चुप हो जा मेरी बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ बेटी। तू जा अपनी जिंदगी जी ले,
मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। माँ की बातें सुनकर मैंने एक फैसला लिया और अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। मैं अपनी खुशी से जी तो नहीं सकती, पर मर तो सकती हूँ ना। पर उस वक्त विजय मेरी जिंदगी में नई रोशनी लेकर आया। मैं क्या करूं विजय? भाभी मुझे गंदी गालियां देती है, मुझे मारती है, तुम ही बोलो मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। मैं तुम्हें हमेशा देखता रहता हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। देखो आगे कभी मत रोना, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं तुम्हें अच्छी तरह से रखूंगा। आई लव यू गायत्री, आई लव यू, आई लव यू। आओ माँ जल्दी आओ। कहाँ गई मेरी लाडली बच्ची? जल्दी आओ माँ। गायत्री कहाँ चली गई थी तुम? क्या हुआ तुझे? बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ तुझे? कुछ बोलती क्यों नहीं? छोड़ो ना माँ, कुछ नहीं हुआ इसे। माँ मैं तुम्हारी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ माँ। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। ठीक है बेटा, मेरी बेटी ने बहुत तकलीफें झेली हैं, इसने जिंदगी में कभी खुशी नहीं देखी। हाँ पता है माँ। तुम बेटा इसका अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है माँ। इसकी खुशी में ही मेरी खुशी है, इसे हमेशा खुश रखना। सुनो मेरी बहन का ध्यान रखना, उसने बहुत दुख झेले हैं। ठीक है भाई, इसका ख्याल रखना। तुम चिंता मत करो, आशीर्वाद दीजिए माँ। सदा सुखी रहो बेटा। माँ से आशीर्वाद लेकर मैं और विजय वहाँ से निकल पड़े। जिंदगी भर दुख झेल चुके हम कहीं दूर जाकर अपना संसार बसाने की सोच रहे थे। अरे आओ आओ सब लोग आओ, देखो हमारे घर की इज्जत किसी के साथ भाग गई है। देखो ये क्या सारा गांव जमा करके मेरी बदनामी कर रही है। अरे जाओ, मैं तो उसकी शादी अपने भाई से कराना चाहती थी लेकिन वो किसी और के साथ भाग गई। सुनो मेरी बहन के बारे में इतना गलत सलत मत बोलो। बड़ा आया मुझे समझाने वाला, बेंगलोर में पढ़ा रहता था, अब आकर उसकी वकालत कर रहा है। ए, उसको मार दिया मेरी तो। अरे देखो गांव वालों कैसे मुझे मार रहे हैं, अब मैं इस घर में एक पल नहीं रहूंगी। अपने बच्चों के साथ ये घर छोड़ के मैं अभी जा रही हूँ, कभी मुंह नहीं दिखाऊंगी। जब हम तकलीफ में गुजारा कर रहे थे तब मेरे पति के एक दोस्त ने हमारे घर आकर उन्हें रियल एस्टेट का काम दिया। ये रियल एस्टेट का काम मेरे और मेरे पति के लिए एक नई खुशियाँ लेके आई। गाड़ी, बंगला, पैसे, हमारे सारे सपने पूरे हो रहे थे। पर अचानक ही हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई। हमारे हंसते खेलते जीवन में जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तीन लोग मेरे पति के पीछे पड़ गए। दोस्त चाय बोलना। सुन साथ में सिगरेट भी ले ले। तुमको चाय, तुमको सिगरेट। आंटी एक कटिंग दो और एक सिगरेट। ठीक है बेटा। अरे वो सब तो ठीक है लेकिन आज अगर कोई बकरा नहीं मिला ना तो हम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा, समझ गए ना दोस्तों? ए, अकाउंट है ना तेरा, एक दिन मैनेज करना यार। अकाउंट तो है यार लेकिन 10 दिन हो गए, आंटी कब तक उधार देगी? लो बेटा चाय। तुम लोगों को चाय और सिगरेट चाहिए, अगर आज आंटी का पैसा नहीं दिया ना तो यहीं पर बैठकर आंटी के बर्तन मांजने पड़ेंगे। आंटी सिगरेट देना, आंटी माचिस देना। ये लो भाई। थैंक यू। चाय। ये लो बेटा। थैंक्स आंटी। पुराना उधार कब चुकाओगे? आंटी आज आपका सारा हिसाब हो जाएगा। तुम हर रोज यही कहते हो, आज से तुम सबका उधार बंद। अरे दोस्त वो देख नया बकरा, आज इसको किसी भी हाल में हलाल करना है क्योंकि आंटी को बोल चुका हूँ मैं कि आज ही उनका उधार चुका दूंगा मैं। ठीक है आने तो दे, देख कैसे हलाल करता हूँ मैं। सर नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते, आप ठीक हो ना? हाँ हाँ ठीक हूँ। अरे सर हम आपके घर के पीछे वाले जग्गू सर के घर में किराएदार हैं। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। अरे सर आज सुबह दूध लेके जा रहे थे तो मैंने आपको हाय बोला था। अच्छा मैंने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ सर खैर छोड़िए, आइए बैठिए। बैठिए ना सर। बैठी? अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं। ए थोड़ा सरक। अरे सर आइए बैठिए ना। बैठिए सर, टेंशन मत लीजिए, आराम से बैठिए। बैठिए 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 ना सर प्लीज। हाँ आराम से। अरे आप लोग इतना। आंटी एक स्पेशल चाय देना। ले जाओ बेटा। आंटी आज आपका उधार चुका दूंगा, चिंता मत करो। लीजिए सर चाय। और सर घर पे सब ठीक है ना? बनाई देंगे। हाँ सब ठीक है, छोड़ेंगे नहीं है। ठीक है वैसा ही करेंगे। हे टाइम हो गया, चले क्या? सर हम लोगों को जरा अर्जेंट जाना है, हम लोग निकलते हैं सर। आंटी कितना हुआ आपका?
अरे रहने दो, मैं देता हूँ ना प्लीज। अरे नहीं सर, अरे रहने दो, कर रहे हैं। नहीं सर आप रहने दो। अरे रहने दो, मेरे पास है ना, मैं देता हूँ। अरे आप परेशान मत हो सर, कल इसके जन्मदिन की पार्टी है, आप शाम 5 बजे ब्रिज के पास आ जाइएगा। अरे कल तो आपको आना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके सर आइएगा। ओके 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 ओके, चलिए मिलते हैं, बाय बाय। ओके सर, हम आपका इंतजार करेंगे सर। ओके, उन्हें बोल दिया था कि बर्थडे पार्टी है। 500 रुपए खर्च करके ये सब किया, इसकी जरूरत थी क्या? हा? अरे तू टेंशन मत ले, बड़ा शिकार हाथ में आया। अगर नहीं आए तो? अबे मेरा प्लान कभी फेल नहीं होता है। 5 बजे बुलाया हूँ, अभी 4:30 हो रहे हैं, आधा घंटा अभी भी बाकी है, देख लेना वो पक्का आएगा। मुझे नहीं लगता। पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने। अरे को। वो देख, मैंने कहा था ना वो आएगा। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? आइए आइए। नमस्ते नमस्ते, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ बैठिए सर, आइए सर, आइए, हाय आइए, हाय, बैठिए बैठिए सर। हेलो हेलो, कैसे हैं आप? ठीक हूँ ठीक हूँ सर, लीजिए ना। अरे नहीं नहीं, अरे थोड़ा नहीं, थोड़ा बस लीजिए ना। नहीं शर्माइए मत, मेरा बर्थडे है सर, थोड़ा तो लीजिए। अरे, अरे नहीं, मैं बस थोड़ा सा है, पी लीजिए, 2 घूंट में खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मस्त मजा आएगा। चीयर्स सर, फर्स्ट टाइम पी रहे हैं ना। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। अरे तो घटाघट पी रहा है, पीने दे पीने दे, अब मजा आएगा। देख रहे हो? क्या पहली बार पी रहा है? देखो कैसा नीट पी रहा है। और पिला दे। हाँ हाँ पिला देंगे। सर सर आपका ड्रिंक खत्म हो गया सर, टाइम भी हो गया। अच्छा चले क्या? अरे नहीं 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 नहीं, मैं मंगाता हूँ, और मंगाता हूँ, टेंशन मत लो। नहीं नहीं सर, इसका बर्थडे है तो वही मंगाएगा ना सर। आता हूँ। बकरा फंस गया है, बस देखते रहो। हेलो, क्या कर रहे हो तुम? काम कर रहा हूँ। कब तक आओगे? बस थोड़ी देर में आता हूँ मैं, बस अभी थोड़ा सा काम बचा और निपटा के आता हूँ। जल्दी आ, ठीक है ना, तुम आराम करो। है हाँ हाँ हाँ, मैं आता हूँ। मजा आ गया लेकिन एकदम। थैंक यू सर, मिलेंगे हाँ फिर दोबारा। आज ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सच में। फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे भाई, बहुत अच्छा लगा सच में। रोज स्पीकर आने लगे और सबको अपने पैसों से पिलाते भी थे, और मुझे मुझे तो जैसे वो भूल ही गए थे। मैं उनसे कितना भी कह लूं पर वो मेरी बात सुनते ही नहीं थे। पीने के साथ उन लड़कों के साथ जुआ खेलना, गंदी गंदी बातें करना, देर रात तक बाहर रहना, ये सारी आदतें उनमें आ गई थी। सुनिए, हाँ यहाँ क्या कर रहे हैं आप? इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है क्या? जब देखो तभी अपने आवारा दोस्तों के साथ शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, और कोई काम धंधा नहीं है। अच्छा तुम अभी चलो, मैं आ रहा हूँ। क्या कहा तुमने? तुम्हें तो कोई काम धंधा नहीं है, और तुम लोगों ने मेरे पति को भी बिगाड़ दिया, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे सुनो सुनिए, मैं आ रहा हूँ, तुम चलो ना, मैं आ रहा हूँ ना, चलिए यहाँ से। दोस्तों रुको, मैं आता हूँ, ये सब मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं। क्या जी अब क्या करना चाहते हैं? घर में माँ आई है, अब मैं उन्हें क्या खिला पिलाऊं? जब देखो उन हमारा लड़कों के साथ घूमते रहते हो, बस यही काम है आपके पास? मेरे सारे गहने बेच दिए आपने, यहाँ तक कि मंगलसूत्र भी बेच दिया। घर में माँ आई, अब मैं उनसे क्या कहूँ? आखिर आप करना क्या चाहते हैं बताइए ना? आपको तो हमारा दोस्तों के साथ घूमना और जुआ खेलना ही रह गया है। मैं डॉक्टर के पास गई थी, उसने कहा मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। अगर आप इसी तरह मेरा और इस घर का ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। आप अपनी जिम्मेदारी समझते ही नहीं है। सुनो प्यारी, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मेरा यकीन करो प्यारी, मुझे माफ कर दो। मैं समझती थी एक ना एक दिन मेरा पति ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक वो कर्ज में डूब गए थे, कर्जदार हमारे घर तक पहुंच गए थे। हाँ भाई। हाँ अरे घर में कोई है? कौन है ये लोग? मेरे पहचान के लोग हैं, मैं बात करके आता हूँ, ठीक है?
अरे भाई, आप लोगों ने आने की तकलीफ क्यों की? आप मुझे ही बुला लेते, मैं खुद आ जाता वहाँ पर आप लोगों के पास। बस आप मुझे दो दिन की और मोहलत दे दो, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। आप मुझ पर भरोसा करिए, मैं आपका दो दिन में ही पैसा लौटा दूंगा। देखो, दो दिन का टाइम देता हूँ, अगर मेरे पैसे नहीं दिए तो ठीक नहीं होगा। चलो रे यहाँ से। क्यों जी, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था ना? कर्जदार घर पे आके चिल्लाए, इसी टेंशन में वो फिर से अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलकर शराब पीना शुरू कर दिए। क्या हुआ इन्हें? इन्होंने इतना पी लिया था कि अपने पैरों पे चल भी नहीं पा रहे थे। ऐसी हालत में मेरे पति को उनके आवारा दोस्त घर पे लेके आए। मैंने तुम सबसे कितनी बार कहा है, मेरे पति का पीछा छोड़ दो, फिर भी तुम सबको शर्म नहीं आती है। तुम लोगों की वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया है, अब क्या बचा है मेरे पास? दोबारा मेरे घर के आसपास दिखना भी नहीं। मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, फिर भी इनकी आदत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि बच्चा आने की खुशी में ये मुझे प्यार करने लगेंगे और पहले की तरह हो जाएंगे। आप कहीं जा रहे हैं ना? नहीं, आज कहीं नहीं जाऊंगा, घर पर ही रहूंगा मैं। ठीक है, आप बैठो, मैं खाने को लाती हूँ। पर वो अपनी पुरानी आदत छोड़ नहीं सके। जी, कहाँ गए ये? वही गए होंगे, आज तो मैंने सुधार के रहूंगी। आराम से ले चलो, आराम से चल। पकड़ 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 पकड़। विजय, विजय, अरे इसकी तो सांस ही नहीं चल रही यार। विजय, इसे क्या हो गया यार? क्या हो गया यार? अब क्या करेंगे यार? हम लोग कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अब हम लोग क्या करें? अरे अब मैं क्या करूं यार, रोज यही फोन करके कहता था पार्टी अरेंज करो, पार्टी अरेंज करो। अरे यारो, यहीं रहेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, कैसे भी इसे ठिकाने लगाकर यहाँ से जल्दी भाग जाते हैं। करेक्ट है भाई, उठाओ इसे जल्दी। हाँ, उठाओ, 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 ठीक से पकड़ो, संभाल के, संभाल के, आराम से। अरे कितना भार, अरे बहुत, आराम से, आराम से, जल्दी जल्दी चलो, आराम से यार, जल्दी। नशा उतार दिया। अरे नशे क्या, कौन है यार, कौन है भाई? चलो इस तरफ से, चलो चलो, हाँ चलो चलो, हाँ चलो उस तरफ, उस तरफ। मैं अपने पति को ढूंढ रही थी, मुझे पता नहीं था कि उन्हें क्या हुआ है, वो लोग मेरे पति को उठाकर ला रहे थे। रुको रुको, क्या हुआ इन्हें? मालूम नहीं क्या हुआ, क्या हो गया? सुनिए, उठिए ना, क्या हुआ आपको? क्या हुआ मेरे पति को? नहीं मालूम हमको, क्या हुआ आपको? बताते क्यों नहीं तुम लोग, क्या हुआ इन्हें? सुनिए, उठिए ना, हमने कुछ नहीं किया। क्या किया मेरे पति को? हमने कुछ नहीं किया, मेरे पति को मार डाला तुमने, मेरे पति को मार डाला तुमने। उठिए ना जी, क्या कर रहे हो आप? उठिए, क्या हुआ? अब सच मान लिया, सच में हमें कुछ नहीं पता। क्या किया तुमने इनके साथ? हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, सच में हम लोग हमने कुछ नहीं किया। अरे कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, नहीं छोड़ूंगी मैं। हमने कुछ नहीं किया, पकड़ो, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। कोई आ रहा है क्या इस तरफ? रखो रखो रखो, नीचे, आराम से, आराम से, आराम से, शायद बेहोश हो गई है। कौन है यार? यार किसी को पता चलने से पहले इन दोनों को दफना दे। मेरे पति को मार डाला, इस बात को मैं किसी को बता ना सकूं। हाँ चलो दफना दे, इसलिए मुझे भी मार डाला उन लोगों ने, और हम दोनों को दफना दिया। जल्दी करो, चलो, उन लोगों ने हम दोनों को दफना दिया। मिट्टी डालो, हो गया, दफना दिया इन लोगों को। हाँ दोस्तों, नहीं तो हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, जितनी जल्दी हो सके गांव छोड़कर भागते हैं। थोड़े से मौज मस्ती के लिए हमने उन दोनों को मार दिया। पुलिस केस होने से पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा हमें। मैंने दोस्तों को बोल दिया है कि उन दोनों का पिंडदान करा के
उनकी आत्मा को शांति दिलाएं। वो जल्द ही ये काम खत्म कर देंगे तो टेंशन खत्म हो जाएगा अपना। आइंदा प्रेतात्मा से कोई तकलीफ नहीं होगी, कभी नहीं आएगी वो तुम्हारी जिंदगी में। उठो शोभा, शोभा ठीक हो ना? शोभा ठीक तो? शोभा आदिशक्ति पराशक्ति ओम काली। इसे लेकर जाओ। नमस्ते। चलो चलो आराम से शोभा। चलो शोभा चलो। सब माँ दुर्गे महाकाली प्रकट हो जाओ माँ, भक्त की रक्षा करो माँ। ओम काली ओम काली। ये लोग मेरे शिकार हैं, तुम में से कोई बीच में नहीं आएगा। ठीक है सर। हेलो, मैं रमैया की बीवी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। देखिए उन बच्चों ने शादी कर ली है, प्लीज आप उन्हें कोई तकलीफ मत दो, छोड़ दो उन्हें। लेकिन आपके पति ने मुझसे डील किया है, उसका क्या करूं? उनका दिमाग ठिकाने पर नहीं था इसलिए बोला, लेकिन अब मैं बोल रही हूँ ना, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी, प्लीज आप उन्हें छोड़ दीजिए। अगर एक मिनट लेट हो जाते ना तो इन सब का काम हो जाता।